हाय हेलो एवरीवन, मेरा नाम राजीव है और इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मेथड इन जावा। मेथड क्या होता है, राइट? सो सामने देख रहे हो मेथड का डेफिनेशन लिखा हुआ है, एवरीथिंग इज देयर। बट मैं मेथड को स्टार्ट करूं उससे पहले ये जानना इम्पॉर्टेंट है मेथड किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अब तुम्हें पता होगा, प्रोग्रामिंग हो या हमारी लाइफ हो, हम कुछ भी नया इन्वेंट करते हैं ना तो किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, राइट? जैसे लूप का कंसेप्ट क्यों आया, हमें अगर कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना है, जब एक प्रॉब्लम आई डेवलपर्स के सामने तो उन्होंने लूप का कंसेप्ट लेके आया, ठीक है? तो चलो पहले उस प्रॉब्लम को देखते हैं कि किस प्रॉब्लम को मेथड आगे सॉल्व करेगा, फिर हम मेथड को स्टार्ट करेंगे। अगर तुम स्किप करना चाहते हो इस पार्ट को तो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दो और जहां से मैं मेथड को स्टार्ट किया हूं वहां से कंटिन्यू करो, ओके? सो हम आते हैं अपने VS कोड पे, राइट? अब जैसे हमारा एक प्रोग्राम है, ठीक है, अभी तक तुम लोग, अगर तुमने बेसिक जावा प्रोग्रामिंग किया होगा तो तुम लोग प्रोग्राम कैसे लिखते हो, तुम लोग एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग AR लिखते हो, ठीक है, और इसके अंदर जो भी तुम्हें कोड लिखना होता है वो लिखते हो। जैसे सामने तुम्हारे जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में मैंने क्या किया है, दो नंबर को इनपुट लिया है, पहले एक मैसेज प्रिंट कर दिया है, एंटर द फर्स्ट नंबर, देन नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट INT से हम क्या कर रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं, तो हमने इनपुट लिया, फिर एक मैसेज हमने प्रिंट किया, एंटर द सेकंड नंबर, और फिर हमने इनपुट लिया दूसरा नंबर, राइट? और फिर दोनों को ऐड करके हमने R में स्टोर कर दिया, और अब हमें रिजल्ट को अगर प्रिंट करना है तो क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और एक मैसेज देते हैं हम, मैसेज देते हैं सम इक्वल्स, और फिर प्लस R में हमारा रिजल्ट। ये हमारा प्रोग्राम हो गया, ठीक है? अगर ये बेसिक प्रोग्रामिंग तुम्हें इतनी नहीं आती ना यहाँ तक, तो जाके मैंने इस पर पूरा सीरीज बना रखा है, ये देखो, ये ICSE बोर्ड फुल कोर्स, हालांकि ICSE बोर्ड को ध्यान में रख के बनाया गया है, बट तुम BTEC कर रहे हो, MCA कर रहे हो, BCA कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम चीज़ तुम्हें भी पढ़ना है, तो ये पूरा सीरीज जाके देख सकते हो। पूरा मैंने जीरो से, बेसिक से जावा का एक एक चीज़ बताया है, ठीक है? इवन मैंने ये भी बताया है कि जावा को कैसे इंस्टॉल करें, विजुअल स्टूडियो कोड को कैसे इंस्टॉल करें, सारी चीजें, राइट? फाइन, सो हम यहां पे आते हैं। अब इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करता हूं, सो जावा सी देन एबीसी डॉट जावा, सो जस्ट 2-3 सेकंड लगेगा क्योंकि मेरा सिस्टम थोड़ा सा स्लो है, देन जावा एबीसी, एंटर करते हैं, सो एंटर द फर्स्ट नंबर 4, एंटर सेकंड नंबर 7, सो ये देखो आउटपुट क्या आ गया, सम इक्वल्स टू 11, राइट? तो यहां तो ठीक है प्रोग्राम, बट प्रॉब्लम तब आ जाती है ना, जैसे अभी इस प्रोग्राम में हम सिर्फ एक छोटा सा काम कर रहे हैं। अब देखो कुछ चीजें ना समझ में आए ना, थोड़ा सा पेशेंस रखना, धीरे धीरे सब पूरे इस वीडियो में समझ में आ जाएगा, ठीक है? सो अभी तो इस प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ओके, अभी इस प्रोग्राम में हम सिर्फ एक टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, और वो टास्क क्या है, दो नंबर इनपुट लेना है और एड करके प्रिंट कर देना है, राइट? अब चलो हम एक काम करते हैं, पहले मैं यहाँ पे एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और मैं यहाँ पे एस्ट्रिक एक लाइन से प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है, सिर्फ एक बीच में लाइन के लिए, अभी ये समझ में आएगा मैंने एस्ट्रिक क्यों प्रिंट किया। अब हम इस प्रोग्राम में एक दूसरा टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, वो क्या है, हमें दो नंबर इनपुट लेना है और दोनों को मल्टीप्लाई करके प्रिंट कर देना है, ओके? तो फिर से दो और वेरिएबल लेना पड़ेगा इंटीजर टाइप का, सो INT x, y, z, अलग नाम का हम वेरिएबल तीन ठो ले लिए, फिर से दो नंबर इनपुट लेना होगा, तो सेम ये ऊपर वाली लाइन हम कॉपी कर ले रहे हैं और यहां पे मैं कर देता हूं एंटर द फर्स्ट नंबर, और यहां पे मैं प्रॉड लिख दे रहा हूं ताकि पता चले प्रोडक्ट हम निकालने वाले हैं, प्रॉड, और यहां भी मैं कर दे रहा हूं प्रॉड। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा बट पेशेंस रखना, तुम्हें मेथड का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, एंड तक देखना, ओके? अब वेरिएबल मैं चेंज कर देता हूं, यहां पे वेरिएबल कर देता हूं मैं एक्स, और यहां पे वेरिएबल कर देता हूं मैं वाई, अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना, तो तीसरा वेरिएबल मैंने जेड लिया है, तो जेड असाइन विद एक्स इंटू वाई, और फिर रिजल्ट को हमें प्रिंट करना है, सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहां पे हम मैसेज देते हैं प्रोडक्ट इक्वल्स प्लस जेड, ओके? ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैं इसको हटा देता हूं, फाइन। अब मैं यहां पे भी ऐड लिख देता हूं, ये जो मैंने मैसेज दिया है जहां पे हम एडिशन के लिए इनपुट ले रहे हैं, ताकि तुम्हें समझ में आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, सो ऐड, ओके। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। अब देखो इस प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं, दो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, पहला
एडिशन करने का, दो नंबर इनपुट लेके ऐड करके प्रिंट करना है, और दूसरा दो नंबर इनपुट लेके दोनों को मल्टीप्लाई करके प्रिंट करना है, ठीक है। और ये दोनों के बीच में मैंने एक लाइन एस्ट्रिक का प्रिंट किया है कि दोनों के बीच का सेपरेशन समझ में आए। तो सेव कर लेते हैं प्रोग्राम को, रन करते हैं। सो जावा सी एबीसी डॉट जावा, देन जावा एबीसी। सो एड आउटपुट कहाँ से आ रहा है, लाइन नंबर 8 से आ रहा है, ठीक है। और फिर अगला यहाँ पे देखो, जो एंटर द फर्स्ट नंबर के नीचे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, इनपुट कौन मांग रहा है, लाइन नंबर 9 वाला नेक्स्ट INT। अब हम जो भी नंबर एंटर करेंगे नेक्स्ट INT उसको ए में स्टोर कर देगा। तो मैं एंटर करता हूँ 4, एंटर। तो नेक्स्ट INT ने 4 को ए में स्टोर कर दिया। फिर अगले लाइन से आउटपुट आया एंटर द सेकंड नंबर, और फिर उसके नीचे नेक्स्ट INT फिर इनपुट मांग रहा है। मैं एंटर करता हूँ 6। अब ये देखो सम इक्वल टू 10, ये कहाँ से आया, लाइन नंबर 13 से। फिर जो एस्ट्रिक वाला लाइन है उससे एक लाइन प्रिंट कर दिया एस्ट्रिक का सेपरेशन, ताकि लगे कि अलग अब प्रोडक्ट हम करने जा रहे हैं। फिर उसके अगला आउटपुट कहाँ से आया, प्रॉड एंटर द फर्स्ट नंबर। तो चलो फिर नेक्स्ट INT उसके नीचे वाला 8, फिर मैं दूसरा आता हूँ 2, और ये देखो 16। तो ठीक है, यहाँ प्रॉब्लम क्या है इस प्रोग्राम में, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे इस प्रोग्राम पे हम दो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। पहला टास्क दो नंबर इनपुट लेके ऐड करके प्रिंट करना है, दूसरा दो नंबर इनपुट लेके मल्टीप्लाई करके प्रिंट करना है। बट प्रॉब्लम इज दैट सपोज अब मैं चाहता हूं कि मुझे सिर्फ एडिशन वाला पार्ट परफॉर्म करना है, मुझे सिर्फ दो नंबर इनपुट लेके ऐड करके प्रिंट करना है, ये मल्टीप्लीकेशन वाला काम मुझे नहीं करना है। अब बताओ कैसे होगा यहाँ पे, ये पॉसिबल है कि मैं इस प्रोग्राम को रन करूं और सिर्फ एडिशन वाला कोड रन करे, ये जो मल्टीप्लीकेशन वाला कोड है रन ना करे, ये पॉसिबल है? नहीं, पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसका एक ही रास्ता है, और रास्ता क्या है कि ये जो पार्ट है मल्टीप्लीकेशन वाला, ये वाला पार्ट, इसको हटा दो प्रोग्राम से, इसको हटा दो। लेकिन फिर फायदा क्या हुआ, फिर प्रोग्राम का मतलब क्या रह गया कि जिस फीचर को तुम्हें यूज नहीं करना है तुम उसको हटा ही दे रहे हो प्रोग्राम में से, तो ये तो कोई लॉजिकल तरीका है नहीं। हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हमारे सारे जितने भी फीचर्स हैं हमारे प्रोग्राम के, वो सारे प्रोग्राम में ही रहें, बट हमारी मर्जी के हिसाब से। अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो सिर्फ एडिशन वाला कोड रन करें, हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई वाला कोड रन करें, अगर हमें दो नंबर को सपोज डिवाइड करना है तो डिवाइड वाला कोड रन करें, राइट। तो इसके लिए आया मेथड का कंसेप्ट। सो पहले एक लेमैन लैंग्वेज में बताता हूं मेथड क्या है, सिंपल। मेथड में क्या होगा ना कि ये जो एडिशन वाला कोड है, ये जो पूरा एडिशन वाला कोड है, इसको हम एक सिंगल यूनिट में रख देंगे, इसको इस पूरे कोड को हम एक सिंगल यूनिट में रख देंगे और उसका कुछ नाम दे देंगे। सपोज हमने उसको नाम दे दिया ऐड, ठीक है। और उसी तरह जो मल्टीप्लीकेशन वाला कोड है इसको भी एक अलग यूनिट में रख देंगे, और सपोज उसका नाम हमने दे दिया प्रॉड, ठीक है। अब ये दो बेसिकली हमारे मेथड हो गए, और अगर हमें एडिशन करना है तो हम इस ऐड वाले यूनिट को रन करेंगे। कैसे रन करेंगे अभी बताऊंगा मैं, और अगर हमें प्रोडक्ट करना है तो प्रोडक्ट वाले यूनिट को रन करेंगे। अब ये सब कैसे होगा मैं आगे बताऊंगा, राइट। सो आई होप क्लियर हो गया कि होगा कि इस प्रोग्राम यहां पे क्या प्रॉब्लम है और मेथड से हम क्या सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलो अब चलते हैं मेथड पे। सो फाइन, मेथड क्या होता है, अगर तुम स्लाइड में हम वापस चलते हैं तो यहां पे तुम मेथड की डेफिनेशन देखोगे। इन जनरल अ मेथड इज अ वे टू परफॉर्म सम टास्क। देखो जावा में ना हर मेथड कुछ ना कुछ टास्क परफॉर्म करता है। बहुत सारे मैं एग्जांपल मेथड का दे सकता हूं। मेथड हमारे दो तरीके के हैं जावा में, जो मेथड है जावा में मेथड दो तरीके का है। सबसे पहला है प्री डिफाइंड मेथड, प्री डिफाइंड मेथड मतलब ऐसे मेथड जो पहले से बने बनाए तुमको मिले हैं, यानी जावा डेवलपर्स ने, जिन लोगों ने जावा लैंग्वेज को क्रिएट किया, उन्होंने पहले से कुछ मेथड तुम्हें बना के दिया है। और दूसरे होते हैं यूजर डिफाइंड मेथड, मतलब वो मेथड जो हम प्रोग्रामर यूजर बनाते हैं, यूजर डिफाइंड मेथड, राइट। ये दो तरीके के मेथड होते हैं। अब कोई भी मेथड हो, प्री डिफाइंड हो या जो हम बनाएंगे वो मेथड हो, हर मेथड कोई एक सिंगल टास्क को परफॉर्म करता है, देख सकते हो डेफिनेशन में। अ मेथड इज अ वे टू परफॉर्म सम टास्क। जैसे एग्जांपल, अगर मैं प्री डिफाइंड मेथड में एग्जांपल की बात करूं तो प्रिंट एलन का यूज करते हो ना, प्रिंट एलन, उसके आगे पैरेंथेसिस ओपन क्लोज। प्रिंट एलन क्या करता है, तुम जो भी इसके अंदर लिखते हो पैरेंथेसिस के अंदर उसको प्रिंट कर देता है। तो देखो एक सिंगल टास्क परफॉर्म कर रहा है। एक और अगर मैं एग्जांपल लूं तो मैथ डॉट पावर का यूज किया, राइट, मैथ डॉट पावर। अब मैथ डॉट पावर अगर पढ़े होगे तुमको पता होगा कि तुम इसको दो नंबर दोगे, सपोज तुमने 2 और 3 दिया, तो क्या करेगा, 2 to the power 3 कैलकुलेट करके रिटर्न कर देगा। तो ये भी एक सिंगल टास्क परफॉर्म कर रहा है। अगर मैं और एग्जांपल लूं तो नेक्स्ट INT तुमने यूज किया होगा, अभी हमने प्रोग्राम में यूज किया था,
नेक्स्ट INT भी एक मेथड है। ये क्या काम करता है? यूजर इनपुट लेने का काम करता है। सो हर मेथड कोई ना कोई वर्क परफॉर्म करता है। तो ये सारे जो मेथड है ना, नेक्स्ट INT, println, mat.power हो गया, ये सारे प्रीडिफाइंड है, पहले से बने बनाए हमको मिले हैं। अब हमें क्या पढ़ना है? यूजर डिफाइंड, मतलब हम अपना मेथड कैसे बना सकते हैं, मतलब जिस चीज के लिए जावा में पहले से मेथड अवेलेबल नहीं है। जैसे सपोज तुम्हें दो नंबर को ऐड करना है, तो अब बताओ जावा में पहले से कोई मेथड है क्या जो दो नंबर इनपुट ले और दोनों को ऐड करके प्रिंट कर दे? नहीं है ना, तो तुम्हें अपना मेथड बनाना होगा। ठीक है, तो वही डेफिनेशन आगे देखते हैं। सिमिलरली द मेथड इन जावा इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। भाई जो मेथड बनाएंगे उसके अंदर इंस्ट्रक्शन ही तो लेंगे ना, इंस्ट्रक्शन ही तो लिखेंगे, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर अगला पॉइंट है, इट इज यूज्ड टू अचीव द रीयूजेबिलिटी। ठीक है, मेथड की हेल्प से हम क्या अचीव कर सकते हैं? रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। अब रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड का मतलब क्या हुआ? ऑब्वियस बात है ना, तुम मेथड को एक बार बना लोगे तो जितनी बार चाहो यूज कर सकते हो। जैसे प्रिंट एलन जावा डेवलपर्स ने तुमको बना के दे दिया है, तुम जितनी बार चाहते हो यूज करते हो उसका, बार बार रीयूज करते हो। सो वही यहां पे बोल रहा है, वी राइट अ मेथड वंस एंड यूज इट मेनी टाइम्स। सो आई होप मेथड का डेफिनेशन क्लियर हो गया। अभी आगे मैं पूरा मेथड बना के दिखाऊंगा, एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं जो हम मेथड बनाएंगे यूजर डिफाइंड मेथड, उसका सिंटेक्स क्या होगा। तो सिंटेक्स कुछ ऐसा होगा। ठीक, अब देखो इस सिंटेक्स में ना हर चीज में तुम्हें बहुत डिटेल में नहीं बताने वाला हूं। अभी मैं उतना ही बताऊंगा जितना तुम्हें जानने की जरूरत है। आने वाले वीडियोस में मैं एक एक टॉपिक को और डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो अभी ये मत सोचना कि तुम सारी चीज जान जाओ A to Z। मैं अगर सारी चीज अभी बताने बैठा तुम कंफ्यूज जाओगे, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो जहां पे मैं बोलूंगा कि इसको अभी इतना ही जानो और यही तुम्हें लिखना है, इसको याद कर लो, बस उसको याद कर लेना, ज्यादा उसके डिटेल में मत जाना, जाओगे कुछ समझ में नहीं आएगा। राइट, तो ये हमारा सिंटेक्स है। सो सिंटेक्स में क्या है? ए वाला पार्ट जो है सिंटेक्स का, जो हमारे सिंटेक्स का ऊपर वाला पार्ट है, इसको हम मेथड का हेड बोलते हैं। और मेथड के हेड में ध्यान से देखो तो कितनी चीजें हैं। सबसे पहले है एक्सेस स्पेसिफायर। अब एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है? तो अभी मैं तुम लोग को एक्सेस स्पेसिफायर नहीं बताने वाला हूं। अभी ये जान लो कि ये जहां पे सिंटेक्स में एक्सेस स्पेसिफायर लिखा हुआ है, इसकी जगह हम तीन चीजों का यूज करेंगे। या तो हम पब्लिक लिखेंगे। अब पब्लिक क्यों भाई, क्या होता है पब्लिक? नहीं बताऊंगा, अभी आने वाले वीडियोज में बताऊंगा। अभी मैं फोकस तुम लोग का कहीं और लेकर नहीं जाना चाहता। ठीक है, अभी एक एक टॉपिक को हम लोग आगे देखेंगे। अभी बस जान लो कि स्पेसिफिक एक्सेस स्पेसिफायर की जगह हम पब्लिक लिखेंगे, या तो प्राइवेट लिखेंगे या फिर प्रोटेक्टेड लिखेंगे। अभी हम जितने प्रोग्राम करने वाले हैं वहां पे एक्सेस स्पेसिफायर की जगह क्या लिखेंगे? हम पब्लिक लिखेंगे। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर मेथड के हेड में दूसरा चीज आता है स्टैटिक कीवर्ड। अब ये स्टैटिक को स्टैटिक ही लिखते हैं, इसलिए मैंने इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है। ठीक है, बट स्टैटिक ऑप्शनल है। क्यों यूज होता है स्टैटिक? लिखने से क्या होगा ये भी नहीं जानना है तुम्हें, आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। ठीक है, अभी ये जान लो स्टैटिक हम नहीं लिखने वाले हैं। जब हम मेथड बनाएंगे तो हमें स्टैटिक की जगह कुछ भी स्टैटिक लिखेंगे ही नहीं, हम छोड़ देंगे। ठीक, फिर स्टैटिक के बाद आता है रिटर्न टाइप। अब रिटर्न टाइप क्या होता है? अब ध्यान से समझना इस चीज को। ठीक है, सो जावा में कोई भी मेथड हो, जैसे मान लो हमारा मेथड ए है। ठीक है, ये मेथड ए जिस काम के लिए बना है वो काम तभी करेगा जब इसको कोई दूसरा मेथड कॉल करेगा। तो मान लो अगर मेथड ए को मेथड बी ने कॉल किया तभी मेथड ए रन करेगा, नहीं तो रन नहीं करेगा। तुम इसको ऐसे समझो कि तुम घर में ऑनर हो। ठीक है, तुम मालिक हो घर में, तुमने एक सर्वेंट रखा, मैं SER लिख दे रहा हूं। सर्वेंट का काम है टी प्रिपेयर करना। ठीक है, तो सर्वेंट अपने मन से जब मन में आएगा वो चाय नहीं बनाने लगेगा ना, वो कब चाय बनाएगा? जब तुम उसको कॉल करोगे, जब ऑनर सर्वेंट को कॉल करेगा कि भाई टी प्रिपेयर करो, तो सर्वेंट टी प्रिपेयर करेगा। आ गया समझ में? उसी तरीके से हमारे प्रोग्राम में कोई भी मेथड वर्क तभी करेगा जब कोई दूसरा मेथड उसको कॉल करेगा। तो मान लो यहां पे बी कॉल कर रहा है किसको? ए को। ठीक, जैसे यहां पे ऑनर किसको कॉल कर रहा है? सर्वेंट को। तो अब यहां पे जो मेथड कॉल कर रहा है, कौन सा मेथड कॉल कर रहा है? बी ना, तो बी को हम बोलेंगे कॉलिंग मेथड। कॉलिंग मेथड,
जो मेथड कॉल करता है उसको कॉलिंग मेथड बोलते हैं, और जो मेथड कॉल हो रहा है उसको हम कॉल्ड मेथड बोलते हैं, CALLED, कॉल्ड मेथड या फिर इन्वोक्ड मेथड, और इन्वोक्ड मेथड, इन्वोक्ड मेथड। तो यहां पे ऑनर भी एक मेथड है, सर्वेंट भी एक मेथड है। ऑनर ने सर्वेंट को कॉल किया, किस लिए? कि सर्वेंट जिस काम के लिए है वो काम करो, टी प्रिपेयर करो, तो ऑनर क्या कहलाएगा? कॉलिंग मेथड। और जो सर्वेंट है वो क्या कहलाएगा? कॉल्ड मेथड और इन्वोक्ड मेथड। इतना क्लियर हो गया? आई होप इतना क्लियर हो गया। सो अब इतना ध्यान में रखना, रिटर्न टाइप का क्या मतलब है। जब भी कोई मेथड कॉल होता है तो मेथड कॉलिंग मेथड को कुछ ना कुछ डेटा रिटर्न करता है। अगेन, मेथड ए है, अगर मेथड को कोई भी दूसरा मेथड, मान लो मेन मेथड कॉल करता है, मेन मेथड क्या है मैं ये भी बताऊंगा, ठीक है। ए मेथड को मान लो मेन मेथड या कोई भी और मेथड कॉल किया, तो ए एग्जीक्यूट होने के बाद उस मेथड को कुछ ना कुछ डेटा रिटर्न करेगा। अब वो डेटा क्या रिटर्न करेगा? जैसे एग्जांपल यहां देखो, जो सर्वेंट था हमारा, जो सर्वेंट था वो चाय बनाने के लिए घर में रखा हुआ था, और जो ऑनर है उसने जब सर्वेंट को कॉल किया तो सर्वेंट टी प्रिपेयर करेगा, और टी प्रिपेयर करने के बाद उस टी को रिटर्न करेगा ना ऑनर को। तो उसी तरह मान लो हमारा एक ए नाम का मेथड है, ठीक है, और जब ये मेथड ए नाम का एग्जीक्यूट होगा तो ये क्या करेगा? जो ए नाम का हमारा मेथड है, एग्जीक्यूट होने के बाद जिस काम के लिए बना है ये मेथड, वो काम करने के बाद जो रिजल्ट होगा उसको कॉलिंग मेथड, जिसने कॉल किया उसको रिटर्न कर देगा। सो मान लो अगर हमारा जो मेथड है, अगर वो नंबर रिटर्न कर रहा है, ठीक है, जैसे हमारा ए मेथड है, मान लो वो बिना पॉइंट वाला नंबर रिटर्न कर रहा है। सो जस्ट मुझे 2-3 सेकंड दे दो, मेरे राइटिंग पैड में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, तो ए मेथड जो है हमारा, जस्ट वन मिनट, जस्ट अ सेकंड, फाइन। सो जो हमारा ए मेथड है, हमारा जो ए मेथड है, अगर वो कॉलिंग मेथड को मान लो नंबर रिटर्न कर रहा है बिना पॉइंट वाला, यानी वो इंटीजर हो गया ना, तो रिटर्न टाइप की जगह हम क्या लिख देंगे? INT। अगर हमारा जो ए मेथड है, अगर वो कॉलिंग मेथड को, कोई भी मेथड है, अगर पॉइंट वाला नंबर रिटर्न कर रहा है, तो इस रिटर्न टाइप की जगह क्या लिखेंगे? डबल। अगर कैरेक्टर कॉन्स्टेंट रिटर्न कर रहा है तो कैर, स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है तो स्ट्रिंग। अब एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि हमारा मेथड कुछ भी रिटर्न ना करे, मतलब ऑनर ने सर्वेंट को कॉल किया टी प्रिपेयर करने के लिए, सर्वेंट ने क्या किया, चाय बनाने के बाद खुद ही पी गया, ऑनर को रिटर्न ही नहीं किया। तो अगर हमारा मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा तो ये रिटर्न टाइप की जगह हम क्या लिखेंगे? वॉइड, VOID, मतलब कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। तो क्लियर हो गया रिटर्न टाइप का मतलब। इन शॉर्ट, कोई भी मेथड एग्जीक्यूट तभी होता है जब दूसरा मेथड उसको कॉल करता है। तो रिटर्न टाइप क्या होगा? जो हमारा मेथड है, अगर वो कॉलिंग मेथड को कोई मान लो बिना पॉइंट वाला नंबर रिटर्न कर रहा है, तो रिटर्न टाइप की जगह INT लिखेंगे। पॉइंट वाला नंबर रिटर्न कर रहा है तो डबल। कैरेक्टर कॉन्स्टेंट रिटर्न कर रहा है, मतलब सिंगल कोटेशन के अंदर जो कैरेक्टर होता है, तो कैर, नहीं तो स्ट्रिंग, और कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है तो वॉइड। ओके, आई होप क्लियर हो गया। उसके बाद क्या है नेक्स्ट? है हमारा मेथड नेम। रिटर्न टाइप के बाद है हमारा मेथड नेम। अब मेथड नेम क्या होता है? तुम कुछ भी, जैसे मान लो दो नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम मेथड बना रहे हो, तो तुम मेथड नेम दे सकते हो ऐड, ठीक है, बस लोअर केस से स्टार्ट होगा, ध्यान रखना। अब आता है पैरामीटर। तो पैरामीटर क्या है? सो पैरामीटर के बारे में मैं आगे बात करूंगा। अभी पैरामीटर को तुम नहीं लिखोगे, अभी हमारा पैरेंथेसिस खाली रहेगा, इसके अंदर कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखना, इस ये जो हेड है हमारा, इस हेड में दो चीज हम अभी नहीं लिखने वाले हैं जब हम मेथड बनाएंगे, तो पहला एस्टेटिक और दूसरा पैरामीटर, और एक्सेस स्पेसिफायर की जगह हम पब्लिक लिखेंगे। और रिटर्न टाइप जो है हमारा, अभी हम मेथड से कुछ भी रिटर्न नहीं कराएंगे, तो रिटर्न टाइप की जगह वॉइड लिखेंगे। अभी मैं बताऊंगा प्रोग्राम, तो ये सारी चीजें बताऊंगा। तो क्लियर हो गया? तो ये तो हमारे मेथड का पहला पार्ट था, मेथड का हेड, और मेथड का दूसरा पार्ट होता है मेथड का बॉडी, कर्ली ब्रेसेस के अंदर ओपन क्लोज, ये हमारा मेथड का बॉडी है। इसके अंदर हम मेथड का डेफिनेशन लिखते हैं कि मतलब मेथड हमारा क्या वर्क परफॉर्म करेगा। तो मेथड का बॉडी यहां से ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट हो रहा है और यहां क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस पे खत्म हो रहा है, और अंदर जो भी काम हमको कराना है वो हम लिखेंगे, जो भी मेथड से हमको कराना है, राइट। सो आई होप सिंटेक्स क्लियर हो गया। सो चलो अपने हम प्रोग्राम में चलते हैं, अब मेथड बनाते हैं। सो
हमारा ये जो प्रोग्राम है, अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे? यहाँ पे हम दो मेथड बनाने वाले हैं। चलो पहले एक मेथड बनाते हैं, ये प्रोडक्ट वाला पार्ट हटा देते हैं अभी, ठीक है। हम इसमें क्या करने वाले हैं, अभी जो हमने प्रोग्राम लिखा है, ठीक है, इस प्रोग्राम में क्या है, हमने अपना प्रोग्राम मेन मेथड के अंदर लिख दिया है। अब मेन मेथड क्या होता है, देखो जावा में ना तुम कितने भी मेथड बना लो, बट एक मेथड ये जो है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये मेन मेथड है। ये मेथड तो होगा ही होगा, इसके बिना प्रोग्राम रनिंग नहीं करेगा। जैसे अगर मैं एक बाइक की बात करूं, तो बाइक में बहुत सारे मेथड होते हैं, हर मेथड का अपना काम होता है। एक्सेलरेटर है, इसका अपना काम है स्पीड इंक्रीज करना। ब्रेक है, इसका अपना काम है स्पीड को कम करना। लाइट है, इसका अपना काम है। बट बाइक में सबसे इंपॉर्टेंट मेथड कौन सा है, इंजन है। इंजन के बिना बाइक चलेगी ही नहीं। तो उसी तरह हमारे प्रोग्राम में हम चाहें जितना मेथड बना लें, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड कौन सा है, ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। देखो सिंटेक्स के हिसाब से है कि नहीं, पहले एक्सेस स्पेसिफायर हमने पब्लिक यूज किया है, फिर स्टैटिक कीवर्ड, फिर कुछ भी रिटर्न नहीं करते, वॉइड, मेथड का नाम है मेन, फिर पैरेंथिसिस ओपन क्लोज, और उसके अंदर स्ट्रिंग ए आर पैरामीटर है, इसके बारे में अभी तुम्हें नहीं जानना है, और फिर इस मेथड के हेड के नीचे कर्ली ब्रेसेस ओपन, यहाँ कर्ली ब्रेसेस क्लोज, इसके अंदर जो भी हमें मेथड से करवाना है वो लिखा है हमने, स्टेटमेंट्स लिखे हैं, ठीक है। तो बट यहाँ पे दिक्कत ये है ना कि ये सारा काम हम किससे करवा रहे हैं, मेन मेथड से। हम मेन मेथड से हर काम नहीं करा सकते, वो प्रोग्राम का ऑनर है, मालिक एक तरीके से, उसका काम बस इतना होना चाहिए कि वो कोऑर्डिनेट करे, वही बैठ के सारा काम नहीं करेगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम अलग मेथड बनाएंगे, मेन के अंदर सब नहीं लिखेंगे। आई होप क्लियर हो गया इतना। सो चलो अब हम सबसे पहले इस मेन मेथड को हटा देते हैं। तो ये मेन मेथड होगा जरूर, मेन मेथड प्रोग्राम में नहीं रहेगा, प्रोग्राम रनिंग नहीं करेगा, बट अभी के लिए इस मेन मेथड को हटा दे रहे हैं। ओके, अभी मैं पूरा प्रोग्राम ही हटा दे रहा हूं। सो अब एक क्लास हम बनाते हैं यहां पे, क्लास, और क्लास का नाम ले लेते हैं सम, सम या कैल्क, CALC, कैलकुलेट का शॉर्ट कैल्क, ठीक है। अब इसके अंदर हम अपना मेथड बनाएंगे। तो मेथड का सिंटेक्स देखो क्या था, सबसे पहले एक्सेस स्पेसिफायर, तो मैंने क्या बोला था, एक्सेस स्पेसिफायर की जगह क्या यूज करेंगे, पब्लिक। सो पब्लिक, फिर क्या है देखो, स्टैटिक है एक्सेस स्पेसिफायर के बाद, जो हमें यूज नहीं करना है हम छोड़ देंगे। फिर क्या है, रिटर्न टाइप, तो मैंने रिटर्न टाइप क्या बोला था कि हमारा मेथड भी कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, तो रिटर्न टाइप की जगह वॉइड। फिर मेथड नेम, तो मैं मेथड नेम ले लेता हूं ऐड, ऐड टू नम, दो नंबर को ऐड करने का काम है इस मेथड का ना, तो मैंने नाम ले लिया ऐड टू नम। अब याद रखना, मेथड नेम अगर तुम मल्टीपल वर्ड को मिला के बनाओगे, तो पहला वर्ड छोड़ के बाकी हर वर्ड का पहला लेटर अपर केस में होगा और स्पेस बीच में नहीं होगा, ध्यान रखना। तो देखो ऐड पूरा लोअर केस में है, बट दूसरा वर्ड जो है हमारा टू, हालांकि स्पेलिंग मैंने गलत कर दिया है, ऐड नम बस कर देता हूं, तो ऐड पूरा लोअर केस में है, नम का एन अपर केस में है, ठीक है। अब इसके बाद पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, पैरामीटर हम नहीं देंगे, मैंने बोला था ना पैरामीटर भी रहने देंगे। ये मेथड का हेड हो गया, नीचे आते हैं कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज, ये मेथड का बॉडी हो गया। अब इसके अंदर जो भी काम हमको मेथड से करवाना है वो करेंगे। क्या काम करवाना है भाई, वही जो हम मेन से करवा रहे थे, दो नंबर इनपुट लेना है, फिर दोनों को ऐड करना है, प्रिंट कर देना है। तो अब अगर तुम्हें ऐड नम मेथड के अंदर इनपुट लेना है, तो इसके अंदर को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, पता है ना, जैसे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर तुम्हें इनपुट लेना होता है, तो स्कैनर वाली लाइन कहां लिखते हो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड के अंदर। अब ऐड नम के अंदर इनपुट लेना है, तो यहां लिखोगे, सो स्कैनर SC असाइन विथ न्यू स्कैनर एंड देन इन पैरेंथेसिस सिस्टम डॉट इन, राइट, ये हो गया हमारा। अब हम वेरिएबल ले लेते हैं, तो x, y, s या R ले लो रिजल्ट के लिए, ठीक है। अब एक मैसेज देते हैं, सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और यहां पे एंटर द फर्स्ट नंबर, सेम चीज जो मेन में लिखे थे, एंटर द फर्स्ट नंबर, राइट। अब इनपुट लेना है, तो x असाइन विथ sc डॉट नेक्स्ट int। अब फिर एक और मैसेज, सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एंटर द सेकेंड नंबर और फिर इनपुट लेना है, तो y असाइन विथ sc डॉट नेक्स्ट int, ये हो गया हमारा। अब क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, तो r असाइन विथ x प्लस y
फिर प्रिंट कर देना है। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहां पे देते हैं हम सम इक्वल्स और यहां प्लस और फिर आर। ये हो गया हमारा, ये हमारा मेथड बन गया। ये मेथड क्या कर रहा है, पहले दो नंबर इनपुट ले रहा है जैसे मेन में हो रहा था, फिर दोनों नंबर को ऐड कर रहा है, ऐड करके आर में स्टोर कर रहा है, फिर रिजल्ट को प्रिंट कर दे रहा है। प्रोग्राम हो गया। बट अभी इस प्रोग्राम को रन करोगे तो आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा। ऐसा क्यों? तुम बाइक में से इंजन निकाल दोगे, बाइक चलेगी? बाकी तुम चाहे जितने मेथड लगा दो, एक्सलेटर लगा दो, ब्रेक लगा दो, लाइट लगा दो, नहीं चलेगी। इंजन होना चाहिए। तो मैंने अभी तुम लोगों को क्या बताया था कि हमारे प्रोग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट मेथड कौन सा होता है? मेन, हमारे प्रोग्राम का इंजन है, वो होना ही होना चाहिए। तो मेन मेथड अभी हमें बनाना पड़ेगा। तो कहाँ बनाएंगे मेन मेथड हम? तो हम सेम क्लास में भी मेन मेथड बना सकते हैं, बट अभी उसको छोड़ दो, कन्फ्यूज हो जाओगे। अभी हम अलग क्लास बनाते हैं। तो अब एक नई चीज़ जान लो, जावा प्रोग्राम में मल्टीपल क्लासेज हो सकते हैं। तो इस क्लास कैल्क के नीचे एक और क्लास मैं बनाता हूँ क्लास, और इस क्लास का नाम मैं देता हूँ ABC। ABC मैंने नाम क्यों दिया? क्योंकि अगर तुम विजुअल स्टूडियो कोड में प्रोग्राम कर रहे हो तो जिस फाइल से तुम्हारा प्रोग्राम सेव है, तुम्हारे मेन मेथड वाले क्लास का नाम सेम होना चाहिए। तो ये जो क्लास है, इस क्लास में मेन मेथड बनाने वाले हैं, ठीक है? तो इस क्लास का नाम वही होना चाहिए जो फाइल का नाम है। तो फाइल का नाम देखो क्या है, abc.java ना, तो इस क्लास का नाम एबीसी होना चाहिए क्योंकि इसमें मेन मेथड है। सो अब मेन मेथड बनाते हैं। तो मेन मेथड क्या होगा? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये हमारा मेन मेथड है। देखो बिल्कुल हमारे सिंटेक्स के हिसाब से है, ठीक है? पहले हम क्या कर रहे थे, ये जो एडिशन वाला कोड है, ये सेम चीज हम मेन मेथड के अंदर लिखे थे ना, बट हम इसको हम अलग मेथड बना दिए। अब इस चीज को ध्यान से समझो, जब हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है ना, तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन मेथड से स्टार्ट होता है। हमारा जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को रीड करके एग्जीक्यूट कौन करता है? कंट्रोल। कौन एग्जीक्यूट करता है? कंट्रोल। अब ये कंट्रोल कौन है? कंट्रोल बस ये जान लो, तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर एक छोटा सा प्रोग्राम है, वही इस प्रोग्राम को एक एक लाइन को रीड करके एग्जीक्यूट करता है, ठीक है? तो भाई कंट्रोल प्रोग्राम को, क्वेश्चन ये है कि प्रोग्राम को रीड करना स्टार्ट कहां से करेगा? बिल्कुल टॉप से, ऐसे एक एक लाइन? नहीं, कंट्रोल जावा प्रोग्राम को मेन से रीड करना स्टार्ट करता है। वो सबसे पहले प्रोग्राम में जब कंट्रोल एंटर करेगा, जब कंट्रोल हमारे जावा प्रोग्राम में एंटर करेगा, तो सर्च करेगा मेन मेथड के लिए। इसीलिए अगर मेन मेथड नहीं हुआ तो प्रोग्राम रन कर नहीं करेगा। अब देखो यहां मेन मेथड है लाइन नंबर 18, तो कंट्रोल यहां से लाइन नंबर 18 से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा, और कहां तक एग्जीक्यूट करेगा? लाइन नंबर 21, जहां पे मेन खत्म हो रहा है। इस मेन के बाहर कंट्रोल कुछ एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं। आया समझ में? तो कंट्रोल हमारा सिर्फ मेन मेथड को एग्जीक्यूट करता है, यानी जो बाकी हम मेथड बनाए हैं, एड नम या फिर कोई भी और मेथड बनाते हैं, वो एग्जीक्यूट तभी होगा जब मेन के अंदर उसको हम कॉल करेंगे। नहीं आया समझ में? नहीं आया तो अभी मैं फिर बताऊंगा, डोंट वरी, थोड़ा सा पेशेंस रखो, ओके? सो एक मिनट, मुझे इसको बस हटा लेने दो, जस्ट गिव मी अ मिनट। फाइन। सो फिर से समझो, हमारा जो कंट्रोल है, वो प्रोग्राम को जब कंट्रोल एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोग्राम में एंटर करेगा, तो कहां पे एंटर करेगा? मेन मेथड पे, जहां पे मेन मेथड है। तो मेन मेथड कहां शुरू है? लाइन नंबर 18 में ना, लाइन नंबर 18। और कहां तक एग्जीक्यूट करेगा? जहां पे मेन मेथड खत्म हो रहा है। तो मेन मेथड खत्म कहां पे हो रहा है? लाइन नंबर 23 पे ना, तो बस यहीं तक एग्जीक्यूट करेगा। अब इस मेन मेथड के अलावा बाकी जो भी मेथड है इस प्रोग्राम में, इस जावा प्रोग्राम में, चाहे 10 मेथड हो, 1000 मेथड हो, वो मेथड तभी एग्जीक्यूट होंगे जब उनको हम इस मेन मेथड के अंदर कॉल करेंगे। तो कॉल कैसे करेंगे? मान लो तुम्हें दो नंबर को ऐड करना है, तो इस ऐड नम मेथड को कॉल करना होगा मेन के अंदर, भाई तभी तो ऐड नम मेथड एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो कॉल करेंगे कैसे? तो देखो कैसे होगा। अब हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि इस मेन मेथड के अंदर जो ऊपर हमारा क्लास है, जिसके अंदर हमारा ऐड नम मेथड है, उसका ऑब्जेक्ट बनाना होगा। अब ये ऑब्जेक्ट क्या है, अगर तुम्हें नहीं पता ऑब्जेक्ट क्या है ना, तो ये जाके इस सीरीज में मैंने एक और वीडियो बनाया था, ये थ्योरेटिकल है थोड़ा, कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, ये ऑब्जेक्ट एंड फंक्शन सीरीज। इसमें जो पहला वीडियो है मेरा,
प्रोग्रामिंग पैराडाइम और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। प्लीज जाके इस वीडियो को देख लो, ठीक है? अगर तुम हो सके तो पहले प्रोग्रामिंग वाला वीडियो देख लो, उसके बाद जाके देखना, और फिर आके इस वीडियो को एक बार देख लेना, ठीक है? तो चलो अभी मैं तुमको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, फिर थोड़ा टेक्निकल हम लोग होंगे आने वाले वीडियोज में। सो ऑब्जेक्ट का मतलब बेसिकली क्या होगा ना, कि हम क्या करने वाले हैं कि ये जो ऊपर वाला हमारा क्लास है कैल्क क्लास, इसका एक कॉपी क्रिएट करके हम लाके मेन में रख देंगे। आई नो टेक्निकली मैं गलत बोल रहा हूं, बट तुम्हारे समझने के लिए भी यह गलत बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी मैं आगे तुम्हें और अच्छे समझा पाऊंगा। हम अभी क्या करने वाले हैं कि ये जो कैल्क क्लास है इसका एक कॉपी क्रिएट करेंगे हम, और उस कॉपी को लाके कहां रख देंगे, मेन मेथड के अंदर। आया समझ में? तो कॉपी कैसे क्रिएट करेंगे, अब इस क्लास का नाम क्या है, क्लास का नाम कैल्क है ना, तो हम लिखेंगे कैल्क CALC, फिर कोई भी एक वेरिएबल ले लेंगे, कोई भी वेरिएबल एक्स वाई, जनरली सब लोग OB या OBJ लेते हैं, मैं OB दे लेता हूं, असाइन विथ, और फिर न्यू क्या करता है, न्यू एक कीवर्ड है जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, बट अभी के लिए तुम ये समझ लो न्यू कीवर्ड क्या करेगा, इस क्लास का कॉपी क्रिएट करेगा, इस क्लास का एक कॉपी क्रिएट करेगा और उस कॉपी को लाके OB में स्टोर कर देगा। तो कैल्क OB असाइन विथ न्यू, और न्यू के बाद फिर से क्लास नेम, जिस क्लास का हम कॉपी क्रिएट कर रहे हैं, तो क्लास का नाम क्या है, कैल्क CALC। इस बार क्लास नेम के साथ हम पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, बेसिकली ये हमारा कंस्ट्रक्टर है, बट अगेन ये भी तुम्हें अभी बाद में जानना है। तो सिंपल ये समझो कि इस लाइन में हम कंट्रोल को बोल क्या रहे हैं कि भाई साहब आप जाइए और ये जो कैल्क क्लास है उसका एक कॉपी क्रिएट कीजिए, बिल्कुल फोटोकॉपी कर लीजिए इस क्लास का, और उसको लाके कहां स्टोर कर दीजिए, OB के अंदर। आ गया समझ में? अब होगा क्या, जब कंट्रोल एंटर करेगा, ठीक है, मेन में कहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा, मेन से लाइन नंबर 18 से, फिर लाइन नंबर 19 को एग्जीक्यूट करेगा, जब लाइन नंबर 20 पे पहुंचेगा तो क्या करेगा, न्यू कैल्क, तो इसको रीड करते ही ऊपर जाएगा, कैल्क क्लास का एक कॉपी क्रिएट करेगा, ठीक है, और उस कॉपी को लाके कहां स्टोर कर देगा, OB के अंदर। यानी इस क्लास के अंदर जितनी चीजें थी एक ही चीज है अभी, तो सिर्फ एड नम मेथड, वो OB के अंदर भी आ गया, और OB कहां है, मेन के अंदर। अब हम एड नम मेथड को कॉल कर सकते हैं मेन के अंदर, कैसे कॉल कर सकते हैं, क्योंकि मेन अब तुम्हारा जो एड नम मेथड है वो कहां पे है, मेन के अंदर आ तो गया, OB के अंदर, राइट? तो कॉल कैसे करेंगे हम, कॉल करने के लिए हम लिखेंगे, अब बताओ मेन के अंदर हमारा एड नम मेथड कहां है, OB के अंदर ना, क्योंकि OB के अंदर पूरा कैल्क क्लास का कॉपी है, तो हम लिखेंगे OB.addNum, हो गया प्रोग्राम डन, सेव कर लेते हैं, रन करते हैं। अभी मैं फिर से एक बार इसको एक्सप्लेन करूंगा, पेशेंस रखना। सो जावासी, और फिर क्लास का नाम क्या है, मेन क्लास का नाम ABC ना, जिसके अंदर मेन मेथड है, तो ABC.java, एंटर, और फिर जावा ABC, सो एंटर द फर्स्ट नंबर 4, एंटर फर्स्ट नंबर 2, सेकंड नंबर 2, हो गया सम इक्वल टू 6। अब एग्जीक्यूशन हुआ कैसे, चलो स्टेप वाइज देखते हैं यहां पे क्या क्या हुआ, हर चीज को स्टेप वाइज हम देखते हैं, ठीक है? जो हमारा कंट्रोल है, जैसे ही हमने लिखा यहां पे जावा ABC, ये लिख के हमने जैसे ही एंटर किया, जो हमारा कंट्रोल एक्टिवेट हो गया और कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर चला गया, कहां पहुंचा प्रोग्राम के अंदर, यहां पे लाइन नंबर 18 पे, फिर लाइन नंबर 18 को उसने रीड किया, फिर लाइन नंबर 19 को रीड किया, फिर जब लाइन नंबर 20 को रीड किया, तो लाइन नंबर 20 में जावा लैंग्वेज में हमने कंट्रोल को क्या बोला है, कि भाई साहब जाइए और जो एक कैल्क है उसका एक कॉपी क्रिएट कीजिए और उसको ला के कहां स्टोर कर दीजिए, OB के अंदर। लाइन रीड करने के बाद वो काम कर देगा, यानी इस पूरे ऊपर वाले कैल्क क्लास की कॉपी OB में आ गई है, और OB कहां है, मेन के अंदर है। तो अब OB के अंदर जो एड नम है उसको हम कॉल कर सकते हैं कि नहीं, तो हमने अगले लाइन में लिखा, अगले लाइन में OB.addNum, मतलब हमने कंट्रोल को बोला कि OB के अंदर जाओ और जो एड नम मेथड है उसको एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है? तो जब हमारा कंट्रोल इस लाइन को रीड करेगा, अगले लाइन पे पहुंचेगा OB, तो तुरंत कहां चला जाएगा, OB के अंदर। अब यहां पे तुम्हें OB के अंदर तो दिखेगा नहीं, मान लो यही OB है, क्योंकि भाई OB ऐसा ही तो होगा ना, इसी का तो कॉपी है ना, एक मिनट के लिए इसी को OB मान लो। तो OB को देखते ही हमारा कंट्रोल तुरंत OB के अंदर चला गया, और OB के अंदर जाके किसको एग्जीक्यूट करेगा, एड नम। तो एड नम कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से ना, और एंड कहां पे हो रहा है, यहां पे।
तो अब एक एक लाइन एग्जीक्यूट करेगा स्कैनर एक्स वाई आर, फिर एंटर द फर्स्ट नंबर, हम नंबर एंटर करेंगे, फिर एंटर द सेकंड नंबर, हम दूसरा नंबर एंटर करेंगे, दोनों को ऐड करेगा, प्रिंट करेगा। और फिर जैसे ही कर्ली ब्रेसेस एड नम का क्लोज हुआ, वो लौट के वापस कहां आ जाएगा, इसी लाइन पे आ जाएगा, ओबी से बाहर निकल आएगा। फिर मेन मेथड में फिर नीचे बढ़ेगा, तो जब मेन मेथड में नीचे बढ़ेगा तो यहां पे मेन मेथड क्या हो गया, क्लोज हो गया लाइन नंबर 22 में। तो मेन मेथड खत्म होते ही प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन खत्म। आया समझ में? तो अब ये मेथड बना के करने का फायदा क्या हुआ, अब हम चाहें तो इस एड नम को 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार कितनी बार भी कॉल कर सकते हैं। अब देखो मैं यहां फिर कॉल कर लेता हूं ओबी डॉट एड नम। अब ये एड नम मेथड 2 बार एग्जीक्यूट होगा। देखो सेव करके रन करते हैं, तो मैं पहले क्लियर कर लेता हूं। अब मैं यहां लिखता हूं जावा सी और फिर एबीसी डॉट जावा और फिर जावा एबीसी। अब देखो एंटर द फर्स्ट नंबर 4, एंटर सेकंड नंबर 2, अब सम इक्वल टू 6, लेकिन फिर आ गया एंटर द फर्स्ट नंबर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कंट्रोल ने एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट किया, यहां से। इस लाइन में क्या किया उसने, कॉपी क्रिएट किया किसका, कैल्क क्लास का, और उसको किसमें स्टोर कर दिया, ओबी में। तो चलो हम इसी को ओबी मान लेते हैं। फिर जब अगले लाइन में गया तो ओबी डॉट एड नम, मतलब इसको रीड करते ही कहां चला गया, ओबी के अंदर। ओबी के अंदर जाके एड नम मेथड को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया, तो फिर मैसेज यहां पे दिया एंटर द फर्स्ट नंबर, फिर हमने नंबर इनपुट किया, जो भी हमने नंबर किया था 4। फिर मैसेज दिया एंटर द सेकंड नंबर, हमने क्या नंबर दिया था, 2 दिया था। फिर दोनों को ऐड किया, आर में 6 आया, फिर प्रिंट कर दिया सम इक्वल टू 6। और फिर जैसे ही एड नम खत्म हुआ, लौट के वापस इसी लाइन पे आ गया, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ उसके बाद, फिर जब हमारा कंट्रोल आगे बढ़ा, जब यहां लौट के आने के बाद कंट्रोल फिर आगे प्रोग्राम में बढ़ा, तो फिर से आ गया ओबी डॉट एड नम, राइट। तो फिर से चला गया ओबी के अंदर, फिर से एड नम को एग्जीक्यूट करने लगा। तो फिर से वही, अब देखो इनपुट मांग रहे एंटर द फर्स्ट नंबर। यहां देखो मैं नंबर एंटर करता हूं, मैं नंबर एंटर करता हूं 5। फिर एंटर द सेकंड नंबर, मैं एंटर करता हूं 23। अब देखो जैसे ही एंटर करूंगा, फिर दोनों नंबर ऐड होगा, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू आर, आर में वैल्यू हमारी स्टोर हो जाएगी, राइट। और फिर रिजल्ट हमारा प्रिंट कर देगा सम इक्वल्स टू आर, और उसके बाद क्या होगा, रिजल्ट को प्रिंट करने के बाद जब हमारा एड नम मेथड यहां पे क्लोज होगा, यहां लाइन नंबर 14 पे, जस्ट गिव मी अ मिनट, हाँ लाइन नंबर 14 पे जैसे ही हमारा मेन मेथड क्लोज होगा, उसके बाद हमारा सिस्टम लौट के कहां चला जाएगा, मेन के अंदर चला जाएगा, राइट, यहां पे वापस आ जाएगा लाइन नंबर 22 पे। और फिर जब नीचे बढ़ेगा तो लाइन नंबर 23 पे क्या हो रहा है, लाइन नंबर 23 पे हमारा मेन मेथड खत्म हो रहा है, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन खत्म। तो चलो यहां पे करते हैं, मैं एंटर करता हूं 8, देखो सम इक्वल टू 13, हमारा एड नम मेथड 2 बार एग्जीक्यूट हुआ। चलो इस चीज को मैं तुम लोगों को और अच्छे से प्रूफ करके दिखाता हूं। अब यहां पे इन दोनों के बीच में मैं एक मैसेज डाल देता हूं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कॉलिंग द मेथड सेकेंड टाइम। और फिर मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और मैं यहां पे मैसेज डाल देता हूं, कॉलिंग द मेथड फर्स्ट टाइम। और फिर मैं इसके नीचे एक मैसेज डाल देता हूं, बाय। सेव करते हैं, रन करते हैं। सो जावा सी एबीसी डॉट जावा, अब देखना क्या होगा, ठीक है। मैं थोड़ा इसको, फिर जावा एबीसी, तो ये देखो कॉलिंग द मेथड फर्स्ट टाइम, ये आउटपुट कहां से आया, तो हमारे मेन में प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट हुआ, लाइन नंबर 18 से। फिर हमारा कॉपी क्रिएट हुआ जो ओबी में स्टोर हो गया। फिर जब कंप्यूटर इस लाइन पे आया तो मैसेज प्रिंट कर दिया कॉलिंग द मेथड फर्स्ट टाइम। फिर ओबी डॉट एड,
तो ओबी के अंदर चला गया, जिसके अंदर हमारे ऊपर वाले क्लास की कॉपी है, और उसके अंदर जाके किसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एड नम को। तो एड नम से देखो, एंटर द फर्स्ट नंबर, मैं एंटर करता हूं 4, एंटर सेकंड नंबर 5। अब देखो सम इक्वल टू 9 प्रिंट किया, बट उसके ठीक बाद मैसेज क्या आ गया, कॉलिंग द मेथड सेकंड टाइम। ऐसा क्यों भाई, ये मैसेज कैसे आया? इसका मतलब हमारा कंप्यूटर वापस लौट के मेन में आया, यहां लाइन नंबर 22 पे, और जब आगे बढ़ा तो फिर से ये लाइन आ गया, तो मैसेज प्रिंट किया कॉलिंग द मेथड सेकंड टाइम, और फिर आगे गया तो फिर ओबी डॉट एड नम, यानी फिर ओबी के अंदर चला गया एड नम को एग्जीक्यूट करने, तो फिर एंटर द फर्स्ट नंबर। तो मैं देता हूं 5, फिर देता हूं 9। सो अब देखो सम इक्वल टू 14, फिर यहां वापस आया, फिर अगले लाइन में क्या प्रिंट कर दिया, बाय, और उसके बाद यहां पे मेन मेथड खत्म, प्रोग्राम खत्म। सो आई होप क्लियर हो गया कि ये मेथड कैसे वर्क कर रहा है। अब देखो हमने दो मेथड बनाए थे ना, तो अब प्रोडक्ट वाला मेथड भी मैं बना लेता हूं यहां पे, ठीक है। तो बेसिकली मैं इसी मेथड को कॉपी कर ले रहा हूं ताकि पूरा हमें इतना ना लिखना पड़े। और यहां मैं पेस्ट कर देता हूं, अब मैं एड नम की जगह इसको कर देता हूं प्रॉड ऑफ टू, प्रॉड ऑफ टू मतलब दो नंबर का प्रोडक्ट। वेरिएबल चाहो तो सेम रखो क्योंकि अलग अलग मेथड है, बट चेंज कर लो अभी के लिए, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता। ए कॉमा बी कॉमा सी, सी मतलब कुछ रिजल्ट ले लो या रेस्ट ले लो, रिजल्ट का शॉर्ट। फिर यहाँ पे ए हो जाएगा और यहाँ पे बी हो जाएगा और फिर यहाँ पे रेस्ट हो जाएगा और फिर सम की जगह यहाँ प्रोडक्ट हो जाएगा और यहाँ पे आर की जगह रेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो अब इस क्लास में, कैल्क क्लास के अंदर दो मेथड है, कौन कौन सा, प्रॉड ऑफ टू और एड नम। अब हम जिसको कॉल करेंगे सिर्फ वही एग्जीक्यूट होगा। मैं थोड़ा फॉन्ट साइज छोटा कर रहा हूं कि तुम अच्छे से पूरा दिखे इसमें, ठीक है। तो थोड़ा जूम कर लेना अगर ना दिख रहा होगा तो, ठीक। तो यहां पे देखो हमारा दो मेथड इस क्लास के अंदर। तो अब फिर अभी मैं पूरा हटा देता हूं यहां से, ठीक है, यहां से मैं पूरा हटा देता हूं। अब क्या होगा, एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होगा, लाइन नंबर 29 से पहले मेन मेथड एग्जीक्यूट होगा। फिर जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा, हमारा कंप्यूटर क्या करेगा, ऊपर जाएगा और ये जो कैल्क क्लास है इस पूरे क्लास का एक कॉपी क्रिएट कर देगा, और उस कॉपी को कहां स्टोर कर देगा, ओबी के अंदर, राइट। तो अभी के लिए तुम लोग एक मिनट के लिए इसी को ओबी मान लेना, क्योंकि मैं ओबी के अंदर तुम लोगों को नहीं दिखा सकता ना, लेकिन ओबी होगा तो बिल्कुल ऐसा ही, इसी का तो कॉपी है, तो ओबी के अंदर सेम यही चीज तो होगी, तो इसी को ओबी मान लो। अब हम चलो कॉल करते हैं ओबी डॉट एड नम, ठीक है। तो अब देखना क्या होगा, ये हमने सेव कर लिया, रन करते हैं। सो जावा सी, फिर क्या नाम है, एबीसी, सो एबीसी डॉट जावा, एंटर। कुछ एरर है, एरर क्या है, ओके, मैंने यहां पे एक्स प्लस वाई अभी भी दे रखा है, सॉरी, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, इसको हम चेंज कर लेते हैं। सो ए हो जाएगा हमारा ए इंटू बी हो जाएगा, ये हमने गलती किया था, ठीक है। सेव कर लेते हैं, फिर से रन करते हैं। सो जावा सी ए बी सी डॉट जावा, जावा ए बी सी। सो अब देखो एंटर द फर्स्ट नंबर, मैं देता हूं 4, एंटर सेकंड नंबर 8। तो क्या आया, सम इक्वल टू 12। तो यानी हमारा ए वाला मेथड एग्जीक्यूट हुआ, कौन सा, सम वाला, ए वाला मेथड। प्रॉड ऑफ टू एग्जीक्यूट हुआ क्या, नहीं एग्जीक्यूट हुआ ना, क्यों नहीं एग्जीक्यूट हुआ, क्योंकि उसको हमने कॉल ही नहीं किया है मेन में। एग्जीक्यूट वही होगा जिसको हम कॉल करेंगे। पहले क्या हो रहा था, जब हम मेन मेथड में पूरा का पूरा लिखे थे तो चाहे तुम जैसे प्रोग्राम को रन करो सब एग्जीक्यूट होगा। अब मान लो तुम्हें सिर्फ प्रोडक्ट निकालना है, तो तुमने इसको कॉल नहीं किया, मैं इसको हटा दे रहा हूं, तुमने कॉल कर लिया प्रॉड ऑफ टू, प्रॉड ऑफ टू। तो अब देखो एड नम एग्जीक्यूट नहीं होगा। सेव कर लेते हैं, रन करते हैं। सो जावा सी ए बी सी डॉट जावा और फिर जावा ए बी सी, एंटर द फर्स्ट नंबर 4, एंटर सेकंड नंबर 9। अब देखना प्रोडक्ट इक्वल टू 36। अब प्रॉड ऑफ टू को हमने कॉल किया तो सिर्फ वही एग्जीक्यूट हुआ, एड नम एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अगर हम दोनों को कॉल कर लेते हैं
चलो मैंने पहले प्रॉड ऑफ टू को कॉल करता हूं, फिर उसके बाद एड नम को कॉल करता हूं। ठीक है, सेव कर लेते हैं, रन करते हैं। तो अब बताओ पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा। देखो भल से हमने पहले एड टू मेथड को यहां पे डिफाइन किया है, बनाया है, लेकिन कॉल हमने पहले प्रॉड ऑफ टू को किया है मेन में, तो पहले एग्जीक्यूट कौन होगा? प्रॉड ऑफ टू। देखो एंटर द फर्स्ट नंबर 4, एंटर सेकंड नंबर 2, यहां पे 8 आएगा, प्रोडक्ट इक्वल टू 8। फिर अब एड नंबर हो गया, तो एंटर द फर्स्ट नंबर 5, एंटर सेकंड नंबर 9, तो देखो सम इक्वल टू 14। आ गया समझ में? अब इसमें एक दो पॉइंट और ध्यान रखना। पहला, ए याद है ना मैं जो सिंटेक्स में बता रहा था कि कॉलिंग मेथड और कॉल्ड मेथड कौन सा होता है, तो यहां पे देखो ये जो हमारा मेथड है एड नम मेथड, इसको कॉल कौन कर रहा है? इस एड नम को कॉल मेन मेथड कर रहा है। तो यहां पे कॉलिंग मेथड कौन सा हुआ? कॉलिंग मेथड मेन हो गया, और कॉल्ड मेथड कौन सा हुआ? एड नम। उसी तरीके से अगर हम बात करें इस मेथड की प्रॉड ऑफ टू, तो इसको भी कॉल कौन कर रहा है? मेन मेथड कॉल कर रहा है। ठीक है, तो हमारा कॉलिंग मेथड कौन सा हुआ यहां पे? मेन, और कॉल्ड मेथड कौन सा हो गया? प्रॉड ऑफ टू। आई होप समझ में आ गया इतना। अब जरूरी नहीं कि सिर्फ मेन मेथड ही कॉल करेगा, बाकी मेथड भी कॉल कर सकते हैं, वो मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। तो इस वीडियो में मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में तुम लोगों को बताया कि कैसे तुम अपना एक मेथड बना सकते हो और फिर उसको कैसे कॉल कर सकते हो मेन के अंदर। ठीक है, अब अगले वीडियोज में थोड़ा सा हम लोग इसमें टेक्निकल डिटेल्स को देखेंगे कि बेसिकली ये जो लाइन है कैल्क ओबीएस साइन विथ न्यू कैल्क, यहां मैंने सिंपली तुम लोग को बोल दिया कि हम बेसिकली इस क्लास का कॉपी कर रहे हैं, बट एग्जैक्टली ये चीज नहीं हो रहा है, थोड़ा अलग हो रहा है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट क्या क्रिएट होता है? ये सारी चीजें, न्यू कीवर्ड यहां पे कर क्या रहा है, कैल के बाद पैरेंथेसिस ओपन क्लोज क्यों है, ये सारे डिटेल्स हम अगले वीडियो में थोड़ा टेक्निकल वे में समझेंगे कि एग्जैक्टली एक्चुअली में चीजें क्या हो रही हैं। राइट, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अगले वीडियो में।